हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते बेटा, क्या हाल है? अरे बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बुए, बोलो। बहुए नहीं, बहुए तो बहुवचन हो गया, मैं एक वचन बहुआ। अच्छा, अकेले ही हो? अकेली हूँ फिलहाल तो, लेकिन मैं दुकेले हो जाता अगर वहाँ बोल देती, लेकिन वो मुझे छोड़ के चली जाती। कौन, क्यों रो रहा है, क्या हुआ? रो नहीं रहा हूँ, पैर पे कुर्सी का पहिया आ गया। अबे ओ पहिये, तेरी दे दूंगा तेरी कुर्सी का पहिया। जल्दी बोल, क्या बोल? सॉरी, गंदा मत बोल। मैं कह रहा हूँ, पहली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ी पता है? क्यों? एक दिन गोलगप्पे की दुकान पे ले गया। अच्छा, 50 गोलगप्पे खा लिए। अच्छा, फिर बोलती और खाऊं? हाँ। मैंने कहा नागिन खा ले। अच्छा, छोड़ के चली गई। अबे तेरी खा ले, नागिन कहेगा तो छोड़ के नहीं जाएगी। क्या कहेगा? नागिन। नागिन नहीं बोला मैंने, बोला नागिन, काउंट मत कर। सॉरी, दूसरी गर्लफ्रेंड ने बताया क्यों चली गई? क्यों? कहती मेरा फोन नहीं उठाते, मेरा फोन नहीं उठाते। अच्छा, एक दिन उसके घर पे गया, ताला तोड़ के उसका लैंडलाइन ही उखाड़ के ले आया, फोन ही उठा लाया। तीसरी गर्लफ्रेंड क्यों गई पता है? एक दिन मैंने उसको फोन किया, बोलती है मैं तुम्हारी जिंदगी जन्नत बना दूंगी। अच्छा, मैंने कहा तेरे को तो दाल चावल भी बनाने नहीं आता था। छोड़ के गई वो भी? वो भी छोड़ के तो जाएगी। और क्या गंदा बोल रहे, क्या बोलू, और क्या बोलू, दुखी लग रहा है अंदर से, तकलीफ है तेरे को? क्या तुझे भी छोड़ के गई है कोई? हाँ भाई, मेरे को भी छोड़ के गई। क्या हुआ था बता? अरे एक बार मैंने उसे फोन किया। अच्छा, तो कह रही कैसे फोन किया? हाँ जी। तो मैंने बोला कि मच्छर खून चूस रहे थे इसलिए तेरी याद आ गई। पीड़ो चली गई छोड़ के। मैं भगा भी देता, अब तू फोन रख, नहीं तो तेरी मैं तोड़ दूँ। नहीं ऐसा मत बोलिए, हम दोनों का दिल टूटा हुआ है और तू क्या तोड़ने की बात कर रहा है? नहीं पास नहीं करना। आ जा, दोनों भाई लोग मिलकर गम गलत करते हैं। अबे गम गलत नहीं, रख दे फोन। तेरा दिल टूटा है, भगवान तुझे बुद्धि दे और अच्छी जबान दे, गर्लफ्रेंड तो मिल भी जाएगी। ठीक है, चल। ओके जी, ओके बाय। हेलो। हेलो जी, नमस्ते जी अंकिल। नमस्ते, कौन? वैलेंटाइन डे की शुभकामनाएं बोल रहा था। हाँ, वैलेंटाइन डे मुबारक हो, लेकिन कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ। देखिए, प्यार जिंदगी में जरूरी है, ये बात तो है, लेकिन जरूरत से ज्यादा प्यार तकलीफ भी दे सकता। हाँ ठीक है, लेकिन मेरे से क्या? आपसे ये चाह रहा हूँ, एक छोटा सा कॉन्टेस्ट है। अच्छा। जहाँ हम आपको सुनाएंगे प्यार वाला गाना। ठीक है। क्योंकि प्यार वाला दिन है। ठीक है। आपको काउंट करना है कि इस गाने में कितनी बार प्यार बोला गया, सिंपल। अच्छा। सपोज ये गाना मैं आपको सुनाता हूँ, प्रैक्टिस करते हम लोग। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। अब देखो, पहली बार, एक बार, हाँ, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। तो ये एग्जांपल था। अच्छा, अब काउंट करिए आप कितनी बारी प्यार है। शुरू करते हैं फिर से ये गाना। शुरू करना, पहला प्यार आ रहा है। एक होगा, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ। मिस हो गया आपका यार। कितना प्यार आएगा? एक सेकंड रुको ना, अब अगला गाना सुनाता हूँ। सॉरी, दूसरे सुनिए। एक, हाँ, दो, दो, हाँ, ये बड़ा वाला प्यार है। तीन, तीन, हाँ, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। गलत नहीं। अबे तो एक सेकेंड, ऐसा थोड़ी है यार, अगला वाला सुनिए ना आप। हाँ, ढंग का गाना सुना। हाँ। दे दे प्यार दे, दो, दो, प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे, आप गलत। एक आखिरी, प्लीज, लास्ट सॉन्ग प्लीज। हमको बड़ा ही, इसमें काउंट करिएगा प्यार, स्टार्ट। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह। कितना प्यार है, सब में रह ले प्यार को, बच्चा यहाँ पे। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, प्यार में ध्यान नहीं दे रहा। एक मिनट, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। हेलो मम्मी, मैं आके बात कर लूंगा ना आपसे। हेलो, दो मिनट दे दो, मैं अभी आता हूँ, बात करता हूँ, आप चिल्लाओ मत थोड़ा भी।
हेलो। कुछ नहीं होने दूंगा मैं, आपका और पापा का रिश्ता हमेशा अमर सिंह रहे, सॉरी अमर रहे। हेलो। हाँ मम्मी, अभी आता हूँ ना मैं। अरे मम्मी किससे बात कर रही है, हमसे ही बात कर ले। ठीक है भाई। नमस्ते जी अंकिल। हेलो। हेलो। घर पे इतना बड़ा झगड़ा हो गया, मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे। तो हम जो हमारे पास फोन कर दिया, झगड़ा हो गया बता? मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या झगड़ा हो गया? मम्मी कह रही पापा के साथ नहीं रहूंगी, क्योंकि पहले से उनकी एक पत्नी है जिनका नाम रानी है। तो पापा ने बोला, मैंने तो पहले ही बताया था। अच्छा। कि तुझे रानी की तरह रखूंगा। मम्मी को लगा रानी की तरह रखूं, वो रानी की तरह रख रहे हैं, वो पहली बीवी है दूसरी, तो इसी बात में मम्मी भड़क गई। रख लो। गलत मत ना बोल। मेरी मेरी बात सुनो। सुनाओ। मेरा कल दोनों कान जल गया। अच्छा। तो कान कैसे जल गया, मैं क्या ना प्रेस कर दिया था अपना जांगिया, अचानक फोन बज गया। अच्छा। तो फोन की जगह मैंने इस्त्री उठा के कान पे रख लिया। अच्छा। तो दोनों कान कैसे जल गया? नहीं, फिर एक फोन लगाना था एम्बुलेंस को भी ना, कान जल गया इसके लिए। आदमियों की कमी है। ए, गलत मत ना बोल। अच्छा। समझदार सबसे ज्यादा कौन होता है, डॉक्टर, इंजीनियर या टीचर, बताओ? इंजीनियर। गलत जवाब। सबसे ज्यादा समझदार टीचर होता है, लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मैं टीचर, बताऊं क्यों? एक बार सुनो, 10 इंजीनियर, 5 डॉक्टर और 1 टीचर हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, उसमें वजन ज्यादा हो गया। पायलट ने बोला कि सब लोग रस्सी से लटक जाओ, है ना, तो वजन शायद कम हो जाए। सब लोग रस्सी से लटक गए, फिर पायलट ने बोला ना किसी को तो कूदना पड़ेगा वरना प्लेन क्रैश हो जाएगा। फिर टीचर ने बोला कुर्बानी मैं दूंगा, क्योंकि हर वक्त टीचर कुर्बानी देता है, डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भी टीचर कुर्बानी देता है, मेहनत करता है कि नहीं? बिल्कुल। फिर टीचर ने बोला मैं कुर्बानी दूंगा, बच्चों मेरी कुर्बानी पे बजाओ ताली। बजा दी ताली। डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी ताली रस्सी छोड़ के। कौन बचा? डॉक्टर इंजीनियर ने बजा दी। कौन समझदार ज्यादा? अरे वाले। ए बस लगा रहा है। टीचर के लिए बजाओ ताली। बस उनका। हेलो। हेलो। कौन? अंकिल नमस्ते। मैं नमस्ते बेटा, कौन बोल रहा है? मैं सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं आपसे दो मिनट लेना चाहता हूँ। बोल बोल। कोई नहीं, ले लो, क्या बात है? अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे। क्या बार बार उबासी ले रहा है? यौन आ रहा है थोड़ा, सॉरी। हाँ तो पहले यौन कर ले ढंग से। नहीं नहीं, एक घंटे बाद फोन कर लियो। एक सेकंड रुकिए। हेलो, आपको कुछ बताना था एक्चुअली। बता, जल्दी बता। एक बार एक शराबी छत से नीचे गिर गया। अच्छा। लोग जल्दी, सॉरी, कल वाटर पार्क गया था ना, थकावट लग रही है। अरे वाटर पार्क नहीं, वाटर पार्क को क्यों गाली दे रहे? तो एक बार एक शराबी छत, अबे जल्दी बोल, शराबी छत से गिरा, उसके भागे उस लोग, लोगों ने उसे, उन लोगों ने उससे पूछा क्या हुआ, तो शराबी पता है क्या बोलता है? क्या बोलता है? जल्दी बोल। बोलता है मैं तो अभी नीचे आया हूँ, मेरे को नहीं पता क्या हुआ। अरे गंदा। अच्छा सॉरी, एक बात बताइए, आप करते क्या है? आईटी इंजीनियर। आईटी इंजीनियर। इंजीनियर से याद आया, एक लड़का इंजीनियरिंग का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, वहाँ पे चपरासी मिला कॉलेज का। अरे आगे तो बोल। कैसे बोलूँ, यौन आ रहा। सॉरी, यौन आ रहा ना। अरे गंदा। लड़का एडमिशन लेने कॉलेज में गया, इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ पे चपरासी मिला, चपरासी को पूछता है ये कैसा कॉलेज है, चपरासी बोलता है बहुत अच्छा कॉलेज है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी है। गंदा बोलना आप। एक सेकंड रुकिए, बस मैं गंदी बात बढ़ता। कौन सा आदमी? गलत बात बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस एक बार और करूंगा। बोल क्या कर लेगा? बस ये कर लूंगा। अरे तेरी एक सेकंड बस करिए। यौन? अच्छा, मेरी यौन की वजह से आपको भी यौनिंग आ रही, तो हम दोनों में यौन संबंध है। यौन संबंध आ रहा तेरी। बस करिए। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप? नरेंद्र मोदी। अरे कौन बोल रहा है? राहुल गांधी। अरे भाई कौन बोल रहा है, तो मैं जानता हूँ इनको। ताजमहल, कुतुब मीनार। अरे कौन बोल रहा है यार, टाइम नहीं है, फालतू रहा, पानी ताता होना रख रखा। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ।
हुआ बोल रहे हैं। हाँ बोल, क्या काम है? आप हिंदी में बोल सकते हैं थोड़ा सा? हाँ हिंदी में बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हो आप? मेरी आवाज सुन के कैसा आदमी लगता हूँ मैं आपको? भाई एक नंबर लगता है। आप पर्सनल हो गए, मैं कह रहा हूँ मतलब उम्र में उम्र में तो भाई तू बिल्कुल नालायक छोटा आदमी लगा है। हाँ छोटा आदमी ना। हेलो सुनो, तो मैं जब छोटा होऊंगा तो मेरा मुंह भी छोटा होगा। हाँ है बिल्कुल भाई। हाँ तो छोटा मुंह और बात लेकिन मैं बड़ी कर रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, जैसे डोनाल्ड। साले बिल्कुल टाइम नहीं है तू फोन। हेलो बुर्ज खलीफा? अरे यार फिर तू आ गया दोबारा। नासा का रॉकेट? रॉकेट अपने पे ले ले। बैक। अबे फोन रख तू। खूबसूरत लड़की का ईगो बड़ा होता है, मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। कलाम जी की सोच, धोनी का छक्का, माँ का प्यार, पिता का त्याग। अरे ओ बस गलत। आईफोन 51 देखा है तूने? जब आएगा तो बड़ा होगा ना, बड़ी बात है छोटा मुंह बड़ी बात। बस सुबह सुबह हट, सुनो ये क्या बात है, मतलब उठाती है मतलब यार। अरे पता है साला तू ही होगा। 8 डब्बे की मेट्रो बड़ी होती बड़ी बात है ना। हाँ भाई। के आर के तो बड़ा ही है, चाहे जैसा भी हो बड़ा वाला ही है। हाँ है बड़ा। सुनो दिल्ली वालों का दिल? हाँ बड़ा होता है। हाँ आप भी कुछ बोलो ना, आप तो कुछ बोल। अफ्रीका वालों का फंस क्यों रहा है? ए, उनके नारियल के पेड़ बड़े होते हैं, उसी से उठा के पटक देते हो अफ्रीका वालों। बोली बेटे तेरे को पकड़े। और तिरंगा के ब्रिगेडियर सूरदेव सिंह आखिरी है ये। ये कैसे बड़ा? अरे वो सिगार के धुएं की आड़ में मिसाइल का फ्यूज कंडक्टर निकाल दिया था, गेंडा स्वामी का मिसाइल फ्यूज कर दिया था, बड़ा काम अरे था। साले तेरे गेंडा स्वामी की मिसाइल। बस गलत छोटा आदत। गेंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर मेरे उसमें। हेलो नमस्ते अंकित। नमस्ते नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नहीं भाई ये गलत नंबर मिला आपने, सॉरी। गलत नंबर। हेलो एक हेलो। हेलो भाई साहब फोन कट गया, मैं बहुआ बोल रहा था। आपको क्या दिक्कत है जी, ये गलत नंबर मिला रहे हो जी आप हम किसी बहुआ को। 2 मिनट चाहिए थे ना आपका। अरे जब जानते ही नहीं तो कहेंगे 2 मिनट। एक हेलो। हेलो भाई साहब। अरे भैया पावर बंती भी दिखा रहा, खामो खाली दिमाग खराब कर रहा है मेरा सुबह के टाइम। सॉरी कोई काम, 2 मिनट चाहिए था ना आपसे। अरे भैया क्या 2 मिनट चाहिए, तो क्या 2 मिनट क्या बोलना बहु। सॉरी मैं बहुआ आगे यही तो आप मौका नहीं दे रहे, फोन काट दे रहे फट से। तो बोलिए फटाक से क्या बोलना। दुनिया में कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनका बड़े आसान से जवाब है लेकिन लोग समझते ही नहीं है। हाँ तो उन चीजों का जवाब से मुझे के लिए ना 2 मिनट दे तो बताओ बताओ। अब जैसे इंडिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या है मुझे नहीं पता क्या है। दोस्त आता है और बोलता है यार गाड़ी की चाबी दे 2 मिनट में वापस लाता हूँ। हाँ हाँ तो ये बात सही है, ठीक है सही है। और कुछ बोलना है? हमारे यहाँ पे माइलेज जो होते है ना माइलेज। हाँ बता। बाइक की? हाँ हाँ बता बता माइलेज बाइक की। हाँ उसको ना कैसे नापते हैं बता, दिन में नापते हैं। अरे ए भाई कैसे नापते हैं बता। जैसे बोलते हैं अरे परसों ही तो भराया था, आज खत्म हो गया। अरे यार एक सॉरी एक गंडम है एक लास्ट। शर्मा जी के 3 बेटे हैं, दूसरे का नाम पिंटू है, पहले और तीसरे का नाम क्या होगा? फोन को काट नहीं तेरा सिर फोड़ दूंगा वहाँ के मैं। एक सॉरी एक बात मैं बता क्या नाम है? पहले का नाम पिन 1 है, तीसरे का नाम पिन 3, बीच वाला पिंटू। अरे तेरा पिन 1 पिंटू पिन 3 ठीक है ना। क्या गलत क्यों बोल रहे हैं आप, शांति से सुनिए ना। बता क्या बता रहा है। 1 सेकंड मैं आपको कल 1 सेकंड सॉरी 1 सेकंड लास्ट आखिरी बता आखिरी क्या। कल स्कूल में टीचर ने एक सवाल पूछा जिसका जवाब सिर्फ मेरे को पता था, मेरी कक्षा में 350 लोग। अच्छा जी तुझे पता इतना होशियार है, तो बहुत बड़ा लग रहा है। बता बता क्या पूछा था। टीचर ने पूछा था कि ये ब्लैक बोर्ड के बगल में पोटी किसने करी है। गलत आदमी तू काट देना, तेरे को इतना तेरे पास नहीं काटने का बटन। हेलो की बात कर रहे हैं भैया? हाँ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। आपके पास मोटर बाइक है ना? हाँ है। चलाते हैं ना? नहीं चलाता नहीं हूँ, ऐसे ही लेके रखा है। बड़ा क्यों रहे मतलब है? तो बात ही ऐसी कर रहा भाई, क्यों नहीं बढ़ तू? सॉरी तो चलाते हैं लेकिन चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाते हैं। नहीं हाथ में टांग के रखता हूँ। लेकिन ऐसा मत करो, जिंदगी बड़ी कीमती है। क्यों ना करूं, मेरी मोटरसाइकिल मेरी हेलमेट, तुझे क्या प्रॉब्लम है? दिमाग खराब। आप मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मान रहा तू ऐसे। एक सेकंड
अगर मेरी नहीं मानोगे भाई साहब, सचिन खुद लोगों को बोल रहे हैं हेलमेट पहनो। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? फोन लाइन पे सचिन तेंदुलकर खुद लोगों को बोल रहे हैं। फोन लाइन पे मतलब? फोन लाइन पे सचिन है मेरे साथ। कौन है सचिन? असली सचिन? असली सचिन बोल रहे हैं। बिल्कुल असली। एक सेकंड रुको सचिन सर। अच्छा एक प्रॉमिस करो। हेलो हेलो, प्रॉमिस करने को बोल रहे हैं। क्या प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस करना? नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? हाँ सर पक्का डालूंगा। पक्का? इज दैट अ प्रॉमिस? प्रॉमिस करता हूँ सर पक्का डालूंगा। लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है बोल रहे हैं? इम्पोर्टेंट है जिंदगी? हाँ सर बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके पक्का डालूंगा सर जी, पक्का डालूंगा। इज दैट अ प्रॉमिस? सर 10 बार प्रॉमिस कर चुका हूँ। बट नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके लाइफ प्रेशियस है। लाइफ प्रेशियस है। आपको पता है भाई मेरा मूड हो रहा खराब। सुन तो ले। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके अरे पक्का डालूंगा सर जी पक्का। हेलमेट डालो भाई, हेलमेट डालो भाई। घर में बैठा हूँ, कहाँ डाल लूँ हेलमेट? हाँ यार मूड खराब कर रहे हो। ओ माय गॉड, पक्का डालोगे ना? अरे डालूंगा डालूंगा, वाला में घुस जा रहा मेरे। ठीक है बात पक्की हो गई, आप हेलमेट डालोगे? ठीक है हाँ ठीक है भाई। ऐसे एक सेकंड, एक और सर जी है जो आपसे कुछ कहना। अब कौन है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस एक मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। तेरी बहू है तेरी। क्या हुआ, गलत क्यों बोल रहे? हेलो। हाँ जी हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अंकिल? अंकल नमस्ते, मैं बउआ बोल रही हूँ अंकिल। अरे कौन अंकल? मैं तेरा अंकल नहीं हूँ, फोन काट चल। चाचू? चाचू सर सुनिए तो। अबे वो चाचू फोन काट चल। फोन काट रहे ताऊ जी, मैं बउआ बोल रही हूँ, 2 मिनट दीजिए। और ताऊ जी की लाज साले, फोन में घुस के झापड़ मारूंगा तेरे, समझ गया? भांजे को इससे झापड़ मारेंगे मामा जी। बे तेरी साले दिमाग खराब मत कर तू। नहीं काट चल, फोन नहीं काटेंगे आप। फूफा जी आपसे? फूफा तेरा? फूफा मेटा क्या? पहले दिमाग खराब मत कर, फोन काट दे तेरा। अबे तू चाहता क्या गधे की औलाद? सीधा सीधा मैं यही कह रहा हूँ जीजू, आप 2 मिनट अगर मुझे देंगे। मैं किसका जीजू है? साधु साहब दे मुझे, क्यों दिमाग खराब कर रहा? दिमाग मैं नहीं खराब कर रहा हूँ बहनोई जी, आप 2 सेकंड देंगे अगर मुझे तो शायद मैं आपको समझा पाऊँ। अबे तुझे सब समझा दूंगा मैं, आके समझ गया समझी जी। हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोले रहे समझी समझी जी। काजू लेंगे? काजू थोड़ा और। अबे काजू बहुत ले लिए चल। ले लिए? हाँ। कितनी बार लिए? अबे बहुत बार लिए, तू अपने काम से काम रख। काम? अच्छा बहुत लिए, कभी हो सके तो खा के भी देखिए शायद अच्छा लगे। अबे साले तेरे दे दूंगा मैं, अंदर देने का मतलब खाना ही होता है। लेने का मतलब खाना होता है, वेरी गुड। परेशान कर रहा तू? कहाँ परेशान किया? बार बार कभी ताऊ जी बुला रहा मुझे, कभी मौसा बुला रहा। देखिए भाई साहब आजकल टाइम बड़ा बदल गया है। हाँ तो रिश्ते बड़े जल्दी बदल जाते हैं। भाई मेरे इतनी जल्दी भी नहीं बदलते जितनी जल्दी तू बदल रहा है। नहीं क्यों नहीं बदलते चचेरे भाई? तेरी मेरे ससुर जी लगता है रख दिया। हाँ रख दिया तेरी रख दिया फोन, फोन काट तू चल। क्या बात कर रही है खालू जान? खालू तेरे आलू डाल दूंगा मैं। रख रहा हूँ समझी जी। काजू लेंगे? दे दूंगा। नहीं लेने नहीं है, याद रखिएगा खाने हैं। अबे हाँ तेरे को नहीं, बस बस। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते भाई, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आवाज खड़खड़ा रही है, थोड़ा बाहर आइए। बाहर ही खड़ा भाई, जा रहा हूँ मैं कहीं पे। कहाँ जा रहे हैं भाई? जा रहा हूँ तुझे क्या मतलब? एक सेकंड रुकिए, मेरे को आपसे 2-3 चीजें पूछनी थी। बड़ा कंफ्यूजन है जिंदगी। बता भाई जल्दी बता। आदमी का अगर चरित्र यानी कैरेक्टर गंदा हो जाए तो वो तो साफ हो सकता है, लेकिन आदमी का अगर साबुन गंदा हो जाए तो साबुन कैसे साफ होगा? अबे यार साबुन एक सेकेंड, अरे आपका साबुन स्लो है क्या? क्यों ऐसा बात कह रहे गंदिया? तू क्या सुबह सुबह हुआ? नहीं एक मिनट। हेलो अंकिल जी, फोन कट गया था मेरी गलती से भाई, मैंने काटा। एक सेकेंड, आप जल्दी में हैं क्या? हाँ बता। मैंने उस दिन एक ट्रक के पीछे लिखा था, जिनको जल्दी थी वो चले गए। एक सेकेंड रुकिए, धीरे चलेंगे बार बार मिलेंगे, तेज चलेंगे हरिद्वार मिलेंगे। भाई तू किसने नंबर किसने दिया? एक सेकंड मैं आपसे कह रहा हूँ, कुछ सवालों के जवाब मेरे को चाहिए थे। साबुन वाले तो आपने बताया नहीं, दूसरा है जल्दी बता जल्दी। हाँ 4 दिन की जिंदगी होती है लोग कहते हैं। हाँ होती है। तो टेस्ट मैच 5 दिन का क्यों होता है? यार मुझे क्या बता यार, आप देखो वही मैं बोल रहा हूँ, जब आप हंसोगे तो अच्छा अच्छा होगा, गंदी बात करोगे तो फिर न मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा न लोग। पता मेरे को, पता है मेरे को मेरी नानी क्यों याद आती? भाई बता नानी क्यों याद आती है तू ये बता। दादा दादी जी क्योंकि साथ में ही रहते हैं।
अच्छा और नाना जी भी पड़ोस में ही रहते। अच्छा और नानी जी क्या हो गया नानी को गुजर गई क्या? झांसी में रहती हूँ बड़े मामा के साथ। अगर आपको हेलो एक औरत पसंद करती है अच्छा तब आप एक पति है। हाँ? जब आपको बहुत सारी औरतें पसंद करती हैं तब आप एक आदर्श व्यक्ति हैं। अच्छा जब आपको हजारों औरतें पसंद करती हैं तब आप एक लीडर हैं। और जब आपको शहर की पूरी औरतें पसंद करती हैं तब तो भाई तो नहीं तब आप एक गोलगप्पे वाले हैं। अबे यार तू इतने नंबर दे दिया। हेलो हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब कौन? मैं बउआ मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो हेलो कौन भाई? कौन भाई नहीं मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो नहीं जय माता दी बोलो होता और क्या। आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में टंग अंडरटेकर। हाँ अरे वाह जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे वही मेरा क्या इसका क्या मतलब नहीं आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा आज से नहीं पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से खिलाड़ियों का खिलाड़ी। अच्छा तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे बलशाली थे अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अरे क्या चल रही है भाई? ये भाई। एक सेकंड तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है तो ये गाना गाता है भाई साहब आवाज आ रही है तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया भाई। अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है हाँ। जो माता रानी कहती जो देती है हाँ। जेब में होता हाँ। माता तेरा मोर हाँ। तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी नहीं नहीं माँ माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहे हैं क्या है बावली क्या से? मैंने कब पकड़ा तुम्हें बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे किश्तों में बोलने वाले इंसान शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद हाँ? बिग शो की काली बनियान निचोड़ कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है गिगली पागल हो गई।